पाकिस्तानी कैद में रहने वाला रीवा का अनिल साकेत 5 साल बाद आखिरकार अपने घर पहुंच गया है। बेटे को जिंदा सही सलामत और अपने आंखों के सामने देखकर मां की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए और उसने अपने बेटे को तुरंत गले से लगा लिया। रीवा से कुछ किलोमीटर दूर नईगढ़ी थाने के छदनहाई गांव का रहने वाला अनिल साकेत 5 साल पहले लापता हुआ था, जिसकी गुमशुदगी नईगढ़ी थाने में दर्ज थी। उसके जिंदा लौट कर आने की परिजन उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन बीते साल उसके पाकिस्तानी के लाहौर जेल में होने की सूचना से घर वालों में छोड़ी आस जगी कि उनका बेटा जिंदा लौट आएगा। उधर पाकिस्तान ने 14 सितंबर को 111 लोगों को अटारी बॉर्डर से रिहा किया था, जिनमें लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों के साथ रीवा का अनिल भी शामिल था। अनिल लाहौर जेल में बंद था, उसे भी पाकिस्तानी सरकार ने रिहा किया। एक लंबे समय बाद अपनों के बीच पहुंचा युवक भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाया। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले युवक अपने बड़े पिता रामनिवास साकेत को पहचाना और उनके पैर छुए। घर पहुंचने पर परिजनों ने भी उसकी आरती उतारी और माला पहनाकर तिलक लगाया। न्यूज डेस्क। नहीं बोल रहा है, गुस्सा नहीं बोल पा रहा है, मतलब खाने के लिए बोल देता है बस। वैसे अकेले में बोल भी रहा है, अभी वो डर रहा है क्योंकि पाकिस्तान में मतलब 4 साल जेल में रहा है थोड़ा सा। हाँ सर, मतलब हम लोग गए थे ना यहाँ लेने, तो 111 लोगों का टेंडर था, मतलब हमने आदेश लिया था। इसके अलावा हमें पता चला कि जो कोविड-19 सेंटर था एक, तो उनके हेड ने बताया था कि रीवा का एक लड़का है जो हमारे यहाँ आया हुआ है लाहौर जेल से छूट के। तो उसके बाद सर हमने इनकी जानकारी ली, तो इसके पासपोर्ट वगैरह हमारे पास सब कुछ है। उन्होंने बाकायदा रिहा किया है इनको, तो फिर हमने एडीएम साहब से बात की थी ग्वालियर में, तो उन्होंने बताया कि चलो ठीक है, आप 111 लोग तो वो निकल चुके थे अपने अपने साधन से, तो हमने इनको बिठाया, तो हम अपनी गाड़ी में इनको बिठा के लाए। फिर हमने तत्काल आदेश लिया ग्वालियर से कि हमें इनके घर तक छोड़ के आना है, तो हम चारों के चार मतलब लोग वहीं से आ गए।